करूं नहीं कर। और मैं क्या करूं। हाय गाइस, तो मैंने आज ये वीडियो बनाया था केवल आप लोगों के लिए कि यहाँ पे मैं ये बता सकूं बच्चों कि आप लोग पास होगे या नहीं होगे, कितना नंबर लाओगे तो पास होगे, और जितना भी लाया होगा क्या उसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। आज जो मैंने आंसर की अपलोड किया था उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम मेरा इतना नंबर है, क्या मैं पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। बच्चों आज का पेपर आई होप कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया होगा। डिस्कशन करते हैं यहाँ पे कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाने वाला है और क्या वाकई में आप लोग पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बच्चे अच्छा खासा करके भी क्यों फेल हो जाते हैं, टॉपिक ये है बच्चों। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि सिलेक्शन एक चीज पे नहीं होता है, सिलेक्शन कभी भी नंबर पे नहीं होता है बच्चों। कि आपने 100 में से अगर 98 नंबर ला लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। सिलेक्शन दो तीन आधार पे होता है। सबसे पहले तो जो सिलेक्शन होता है बच्चों वो आपके ब्लॉक वाइज होता है। क्या होता है? ब्लॉक वाइज सिलेक्शन होता है। JNV में बच्चों आपको पता है कि प्रति वर्ष क्लास 6 के 80 बच्चों का सिलेक्शन होता या फिर कहिए होना तय है। 80 बच्चों को उन्हें लेना ही पड़ेगा, चाहे जिस स्थिति में उन्हें लेना पड़ेगा। तो बच्चों बात यहाँ जो ये है वो है कि ये देखिए, अगर किसी कोई जिला है वहाँ पे 8 से 9 ब्लॉक हैं, तो एक ब्लॉक से उन्हें कम से कम तो 4 से 5 बच्चों को लेना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार होता क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ इलाहाबाद का ब्लॉक, एक ब्लॉक नैनी भी आता है, नैनी से करीबन 30 से 35 बच्चे प्रतिवर्ष चले जाते हैं। तो देखिए जाना तो 4 से 5 चाहिए था, लेकिन यदि मेरिट में नाम आपके 80 एक ही ब्लॉक के 80 बच्चों का आ जाता है तो 80 का सिलेक्शन हो सकता है। अगर एक ही ब्लॉक के 80 बच्चों ने 100 में से 100 कर दिया है तो उन सबों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी ब्लॉक से फॉर्म डाला गया और नंबर अच्छा नहीं है तो बच्चों क्या उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप लोगों ने ये पूछा कि मेरा 75 नंबर है, मैं गर्ल हूँ, मैं रूलर हूँ और मैं 80 हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बता दे बच्चों कि 80 के नीचे वालों का सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। 80 के नीचे जिनका भी नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाए वो भगवान की दया से, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए 80 के ऊपर जो आते हैं, अगर आपका 85 से 90 के बीच में है तो 80 वाले बच्चों आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप चाहे जिस ब्लॉक से हो, बात वो करता है कि अगर आपके ही ब्लॉक का कोई 80 बच्चा 90+ मार दिया है तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि आपके ही ब्लॉक में 80 के 2-3 बच्चे हैं, 85, 86, 87 किए तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप ही के ब्लॉक में 80 एक 90 कर दिया है, कोई 80 कर दिया है, तो 90 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 80 वाले का नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चों सिलेक्शन होता है ना वो हाईएस्ट नंबर पे लिया जाता है, कि नंबर जिसका ज़्यादा रहता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो देखिए, वैसे तो बच्चों कट ऑफ बच्चे खुद बनाते हैं, कट ऑफ कोई तय नहीं की जाती है। जितने भी चैनल वाले आपको कट ऑफ बताते हैं सारी ही गलत बातें हैं। कट ऑफ कभी भी बच्चों एक प्रकार से आप समझिए ना, तो कट ऑफ जो है वह बताई नहीं जा सकती। बिकॉज बच्चों जनरल के बच्चे जो है, मैं जनरल की बात अभी करूं तो जो जनरल जो ब्राह्मण के बच्चे हैं, अगर मतलब मान लीजिए, वैसे तो माना जाता है उनका जो कट ऑफ 95+100, लेकिन बच्चों ये कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है। अब मैं अपनी ही कोचिंग की बात करूं तो मेरी कोचिंग के 2-3 बच्चे, दो या फिर कहे 4 से 5 बच्चे जो कि ब्राह्मण है ही नहीं, है 80, वो नंबर लाए हैं 97-98। तो अब बताइए आप हमें, तो क्या जो हम लोग कहते हैं कि 80 का सिलेक्शन 80 से 85 के बीच में होने वाला था वो होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे जिस ब्लॉक से उन बच्चों ने 95, 96, 97 किया है उस ब्लॉक की मेरिट उन्होंने बना दी जिन्होंने 97, 98 मारा। तो अब 80 के बच्चों का सिलेक्शन 97, 98 पे होगा। और बच्चों जरूरी नहीं है कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन हो भी, ठीक है। जो जिस कास्ट के बच्चे, जिस कैटेगरी के बच्चे अच्छा करते हैं वहीं से ले लिया जाता है। मैंने अभी क्या बताया कि अगर एक ही ब्लॉक के 70 से 80 बच्चे 100 में से 100 मारे हैं तो एक ही ब्लॉक के बच्चों को ले लिया जाता है। लेकिन ऐसा तो हो रही कि एक ही ब्लॉक के 80 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है बच्चों। तो होता क्या है
कि एक ही ब्लॉक जो है, मतलब कि प्रत्येक ब्लॉक से उन्हें 4 से 5 बच्चों का सिलेक्शन लेना पड़ता है और ब्लॉक में 1 से 2 लड़कियां भी रहती हैं। तो देखिए 1 या 2 अगर मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं सुराव ब्लॉक से थी तो मेरे साथ भी एक लड़की और थी, तो हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था बिकॉज हम दोनों का नंबर इक्वल था, तो 1 या 2 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि लड़कियों जेएनवी में केवल लड़कियों के लिए 27 सीटें हैं और लड़कियों के लिए 80 में 27 घटा दीजिए जो बता उतनी सीट हो जाएगी। तो लड़कियों को बच्चों मतलब ज्यादा चीजें लड़कियों के लिए, तो जेएनवी का पेपर जो हो जाता है ना वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है बिकॉज सीटें क्या है बहुत कम रहती है। तो कट ऑफ की बात बच्चों देखिए, कट ऑफ में आपको बता दूं कि कट ऑफ कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि 90+ बच्चों का सिलेक्शन होना तय रहता है। 90+ के जो बच्चे रहते हैं अगर उनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में तो नाम पक्का आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे ही सामने की बात है। और कई बार बच्चों क्या होता है कि बच्चे 95 ला के भी फेल हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, तो या तो टीचर की गलती से हो जाते हैं या फिर बच्चों क्या होता है कि जो बच्चा 92-95 ला के भी फेल हो रहा है वो देखिए करके तो वहाँ कुछ और आया है, लेकिन आने के बाद बताया यहाँ कुछ और आया कि मैंने सब सही किया है कोई गलती नहीं हो, लेकिन उसने पेपर में कुछ और किया था, वो यहाँ आके झूठ बोल रहा है। अगर उसने बताया है कि मेरा चेक करने पे 95 नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ, इसका मतलब उसने पेपर में कुछ गलत किया है। तो इस वजह से अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, कई बार तो टीचर की कमियों से भी बच्चों का सिलेक्शन हट जाता है। तो यहाँ बच्चों कट ऑफ की तो बिल्कुल से बात ही ना की जाए, मैं इतना बता दे रही हूँ किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो 90+ आपको लाना ही पड़ेगा, लेकिन 80 के बच्चों के लिए तो बताऊँ तो 85+ तो पक्का होना चाहिए। 80 के जो बच्चे हैं उनका 85 तो पक्का बच्चों आप लोगों का होगा, तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए 90+, ठीक है, 90+ रहेगा फिर ही आपका सिलेक्शन होगा। और बच्चों जो आते हैं एसटी में और जो आते हैं अल्पसंख्यक और जो आते हैं विकलांग में, इन सबका सिलेक्शन बच्चों हो जाता है, इनमें नंबर मान मतलब मान्य नहीं है, 1 या 1 से 2 बच्चों का विकलांग में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप नंबर चाहे जितना पाइए वो मैटर नहीं करता, आपने फॉर्म भरा है पेपर देने गए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये विकलांग वालों के लिए था। ठीक है, अब मैं बात करूँ एससी, तो बच्चों एससी में भी यही चीज़ है कि एससी के बच्चे अगर एक ब्लॉक से 1 या 2 बच्चों ने फॉर्म डाला है तो उन्हें ले लिया जाएगा, नंबर मैटर वहाँ नहीं करेगा। आप पेपर देने गए हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों पिछड़े जो वर्ग है उन्हें मतलब बढ़ाने की बात आती है। तो एससी के 1, 2, 3, 4 बच्चे ले लिए जाते हैं और ऐसे ही विकलांग में भी किया जाता है, लेकिन ओबीसी जनरल और एससी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन पैदा हो गया है और यहाँ पे आपको कंपटीशन के क्षेत्र में आना ही पड़ेगा फिर ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बच्चों सिलेक्शन कई बेसिस पे हो जाते हैं, एक चीज पे नहीं। पहला तो जो सिलेक्शन होता है वो ब्लॉक के आधार पे हो जाता है, दूसरा सिलेक्शन ऐसे हो जाता है बच्चों कि अगर मान लीजिए एक ही ब्लॉक से 2 बच्चों ने 95 किया है तो किसमें आएगा कि किसका मतलब कौन सा बच्चा पास होगा कौन नहीं। तो यहाँ पे जो होता है बच्चों यहाँ पे एज देख ली जाती है, क्या हो जाती है एज मिला ली जाती है, जिस बच्चे की एज कम होती है उसका सिलेक्शन ले लिया जाता है। अगर एज भी दोनों की इक्वल रहती है बच्चों तब दोनों को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ना रहे कि मतलब कि एक ब्लॉक से तो 1-2 लड़कियां रहती हैं, अगर 3 से 4 भी पास हो सकती हैं, वो बच्चों आती है कि मेरिट कितनी चली जाएगी। और वैसे भी मेरिट तो बच्चों बहुत अच्छी जाएगी बिकॉज इस बार का जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। और बहुत से बच्चों ने तो यहाँ तक कमेंट किया है कि मेरा 100-100 है, तब बताइए उन लोगों ने मेरिट अपने यहाँ के लोगों के लिए तो डिफिकल्ट कर दिया ना, तो जिस वजह से मेरिट तो बच्चों कुछ भी जा सकती है, लेकिन 90+ वाले बच्चे श्योर रहे कि वो पास हो जाएंगे। तो मेरिट पे आप लोग नहीं जाइए कि इतना पाए हैं पास होंगे या नहीं होंगे, तो ये सब बच्चों बहुत गलत बातें हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मुझे भी नहीं पता था, यहाँ तक मुझे ये नहीं पता कि मेरा कितना नंबर था। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है जेएनवी तरफ से नंबर नहीं जारी किया जाता है, वहाँ से आपको ये बता दिया जाएगा आप पास हो या फिर फेल, नंबर तो आपको ऐसे ही पता चला जैसे हमने आंसर की दे दिया है, आपने चेक कर लिया बता दिया मेरा इतना नंबर है। तो वैसे ही मेरा बच्चों 98 नंबर था, उस समय 100 क्वेश्चन होते थे, अभी तो 88 क्वेश्चन है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन होगा कैसे, सिलेक्शन कई बेसिस पे होते हैं बच्चों, किसी एक चीज को लेके आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो 90 मतलब 80 वाले भी बच्चे पास हो सकते हैं,
कई बार ऐसा भी होता है कि 80 वाले भी बच्चे पास हो जाते और कई बार नहीं भी होता है। तो हाँ, लेकिन अगर आप स्वयं होना चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, तो 90 प्लस नंबर वाले बच्चे स्वयं हैं कि वो पास हो जाएंगे। उसके नीचे वाले बच्चों को डाउट हो सकता है, शायद हो जाए, नहीं तो मैंने जितने भी बच्चों मेरे पास कमेंट किया था मैंने यही लिखा है, हो सकता है शायद हो जाए। और जिनका मुझे लगा कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं हो जाएगा, मेरी कोचिंग के खुद ही बच्चों ने 97.25 काफ़ी अच्छा नंबर किया है। दो तीन, कम से कम 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने 95 प्लस किया है काफ़ी, और बाकी और जो बच्चे थे उन्होंने 90 प्लस किया है। तो देखिए रिजल्ट निकलता है तो क्या आता है। तो फिलहाल बच्चों आई होप आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई होगी, और जो प्रॉब्लम होगी कमेंट कर दीजिएगा, उसके भी आप लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिलहाल बच्चों अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें लेके।